अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती लाइव और आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर एसेट्स पे और साथ ही हम बात करेंगे डेयरी फार्मिंग की, पोल्ट्री फार्मिंग की भी कनेक्टेड जो चीजें हैं एग्रीकल्चर इनकम से और कैपिटल गेन्स वगैरह पे बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, एक तो जो लोग लाइव आते हैं लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि आप लोग जो है अभी मैं लाइव आया हूँ तो दो लाइक्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो थैंक यू वेरी मच, इससे बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है। ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं ये हमारी एक सीरीज है जहाँ पे हम जो है रिसर्च करके ये सारी चीजें आपके सामने लाएंगे, तो साथ साथ मैं वो रिसर्च रेफरेंस भी बताऊंगा। और स्टार्ट मैं ऐसे करूंगा कि 1 खरब का टैक्स कलेक्ट हो सकता है एग्रीकल्चर इनकम पे एज पर, तो इस साल गवर्नमेंट ने 15 खरब के बजट टैक्स का बजट बनाया है जिसमें से उन्होंने 13 खरब यानी 13 ट्रिलियन को डिक्लेयर किया है, लेकिन फिर फाइनली जब वो बजट को फाइनल कर रहे थे, फाइनेंस बिल को, फाइनेंस एक्ट 2024 बना रहे थे, तो उन्होंने 1-2 खरब और ऐड कर दिए, 1-2 ट्रिलियन और ऐड कर दिए। तो एग्रीकल्चर इनकम अगर करेक्टली उस पर टैक्स कलेक्ट किया जाए तो 1 ट्रिलियन की कलेक्शन एग्रीकल्चर इनकम पे इजीली हो सकती है। तो ये एक न्यू रेवेन्यू सोर्स जो है गवर्नमेंट के लिए हो सकता है। ठीक है, अब फिलहाल जो स्ट्रक्चर बना है उसमें प्रोविंसेस ने जो है ना रेवेन्यू कलेक्ट किया। ₹1 ट्रिलियन जो है ना पर ईयर कलेक्ट हो सकता है। तो जो है सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो ये, जो चीज लोगों के नॉलेज में है पाकिस्तान में कि एग्रीकल्चर एग्जेम्प्ट है फेडरल लेवल पे, यानी कि अगर फेडरल लेवल पर आप एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हैं तो आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि जी ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन इंटरेस्टिंग, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आज हम करेंगे एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। और स्टार्ट इस तरह करेंगे कि अगर हम इसको कहते हैं कि इनकम अर्न्ड बाय कल्टीवेटिंग लैंड, तो एग्रीकल्चर इनकम वो है जो लैंड से डायरेक्टली आए और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वो लैंड यूज होती हो और वो डायरेक्टली जो है क्या कहते हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो, कल्टीवेट की जाए और उस लैंड से जो बेनिफिट हो उसको जब आप सेल करें तो वो एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम शुरू से एग्जेम्प्ट रही है टैक्स से और उसकी वजह ये है कि जो एग्रीकल्चर लैंड ही एक इम्पोर्टेंट पावर का टूल होता था या जो भी एरिया में सबसे पावरफुल पर्सन होता था वो शख्स होता था जिसके पास लैंड होता था। क्योंकि देखें ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर्स हैं, गाड़ियां हैं, उसके अलावा आप बिल्डिंग्स जो कंस्ट्रक्शन आप देखते हैं, उसके अलावा फिर आपके पास मीडिया है और चीजें, ये तो अब आई हैं और इनसे इनकम पिछले 50 सालों में इनकम कमाई जा रही है और अब गोइंग फॉरवर्ड जो है लैंड से इतनी इनकम नहीं कमाई जाती जितनी जो है आप देख लें कि आपका फेवरेट क्रिकेट टीम कौन सी है या आपका फेवरेट चैनल कौन सा है या आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है, तो दुनिया चेंज हो रही है। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है, इसलिए है कि अगर पाकिस्तान में जो एग्जिस्टिंग पाकिस्तान है हमारे 4 या 5 प्रोविंसेस हैं और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, तो एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहा जाता है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगा सकती और इसीलिए इनकम टैक्स रिटर्न देखें तो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपको एग्रीकल्चर इनकम फॉरेन इनकम के साथ नजर आती है, उसमें लिखा होता है कि जी एग्रीकल्चर इनकम बता दें और उस पर जो टैक्स पे किया वो बता। टैक्सेस के लिए प्रोविंसेस ने कानून बनाया हुआ है, यानी एग्रीकल्चर इनकम को प्रोविंसेस जो है ना टैक्स कर सकते हैं, लेकिन जो है प्रोविंसेस AI बन सकते हैं, तो आजकल AI का बड़ा चर्चा है। तो बात यह है कि सेक्शन 7E में ये अभी तक किसी ने नहीं सोचा कि जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स, और हम रिसर्च का मकसद ही फोकस उन पे करना है जो छोटे किसान हैं, जो लोग कम होल्डिंग रखते हैं या जो फैमिलीज, जिन फैमिलीज में बहुत ज्यादा डिवाइड हो गई है लैंड या डिस्प्यूटेड लैंड है,
या वो इरिगेटेड लैंड नहीं है, या भी हम आगे आएंगे माउंटेन्स और माइंस पे भी, तो जो है वहां की बात नहीं कर रहे हैं। मेन जो है, मैं फॉर एग्जाम्पल हूँ और सपोज करें कि आधा पंजाब में ओन करता हूँ, तो मैंने टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी है, मैंने एग्रीकल्चर इनकम भी देना है। अगर मैं एग्रीकल्चर इनकम और टैक्स रिटर्न फाइल करूंगा तो गवर्नमेंट के आधे से ज्यादा मसले हल हो जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट उसकी जगह जो है ये करती है कि पर्सनली मेरे से फेवर ले। उससे भी 1 ट्रिलियन और, यानी 1 ट्रिलियन एग्रीकल्चर इनकम से, 1 ट्रिलियन सेक्शन 7E में एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर लैंड को होल्ड करने से जो है ना आनी चाहिए, यानी कि इजली आ जाएगी, तो 2 ट्रिलियन ये आ जाएगी। आप ये 2 ट्रिलियन का रिलीफ जो है वो मैं कहता हूँ सैलरीड पर्सन को दे दें। आप ऐसे करें कि 6 लाख जो सैलरी कमा रहा है उसके बजाय 25 लाख जो सैलरी कमा रहा है उसके बाद टैक्सेशन स्टार्ट करें, वो भी ग्रेजुअली शुरू करें, 1% 2% और तकरीबन 2 करोड़ तक अगर कोई जा रहा है, ताकि देखिए ये सैलरीड लोग जो होते हैं या जो बिजनेस कमा रहे इंडिविजुअल्स होते हैं, ये जब पैसा कैपिटल अपना जमा करते हैं तो हाफ ये अपनी लाइफस्टाइल पे लगाते हैं, हाफ ये सेव करते हैं या बच्चों के एजुकेशन पे लगाते हैं या घरों में लगाते हैं, तो ये आपकी इकोनॉमी का पहिया जो है ना तेज करेंगे। तो आप जो है अपनी इकोनॉमी का पहिया आपने बिल्कुल बांध दिया है, यानी कि इतनी हैवी टैक्सेशन आपने कर दी। डॉक्टर क्रामोलक की किताब यानी रिसर्च में लिखा था कि 1 ट्रिलियन 1 खरब रुपए कलेक्ट हो सकते हैं सिर्फ 2 से 3 बिलियन यानी 1000 बिलियन होते हैं 1 खरब में, तो 1000 बिलियन के बजाय सिर्फ 2 या 3 बिलियन रुपीस कलेक्ट होते हैं साल के दौरान। तो एग्रीकल्चर टैक्स जो है बेसिकली किसी से भी जो है ना वो कलेक्ट नहीं किया जाता। एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आई जब सेक्शन 7E आया है, तो सेक्शन 7E ने एक चीज हाईलाइट की है जो लॉ मेकर्स, यानी कि अगर सेक्शन 7E रह जाता है तो इससे एक बड़ा एक ऐसा चेंज आएगा जो शायद पार्लियामेंट में बैठे हुए अक्सर लोग, चूंकि वो एग्रीकल्चर लैंड को होल्ड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके ओनर, उसके बारे में हम आगे चलते हैं कि मैं थोड़ी लैंड की बात करूंगा, फिर वापस कैपिटल गेन पे आऊंगा और देख लें कि मैंने आपको अभी 5 ट्रिलियन रुपीस बता दिए पर ईयर, और फिर ऑब्वियसली ये हर साल बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आपका सिस्टम नेटवर्क बेहतर होता जाएगा। एक तो एग्रीकल्चर इनकम से आपको 1 ट्रिलियन तक कलेक्ट होगा, डॉक्टर ड्रामर की रिपोर्ट है। फिर जो सेक्शन 7E है उसमें अगर रिसर्च की जाए, जितने यंगस्टर सुन रहे हैं, तो होल्ड करना एग्रीकल्चर लैंड को जो कल्टीवेट नहीं हो रही, उससे कम से कम 1 ट्रिलियन जो है यानी 1% आना टैक्स, 1 ट्रिलियन तो कुछ भी नहीं है, 1 ट्रिलियन इजिली कलेक्ट हो सकती है। और फिर कैपिटल गेन टैक्स, यानी जब आप एग्रीकल्चर लैंड बेचते हैं और आपको गेन होता है उस पर, तो ये सब चीजें अंडर द रेंज एग्रीकल्चर इनकम पे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो बजट के हवाले से, टैक्स के हवाले से, तो बात करते हैं, थोड़ा सा टाइम मैं और लूंगा। मैं बात कर रहा था कि सेक्शन 7E ने हाईलाइट किया है कि एग्रीकल्चर इनकम पे भी, उसको होल्ड करने पे भी आपने 1% टैक्स देना है, चाहे डीसी वैल्यूज है। लेकिन आप देखें सेक्शन 7E में एग्रीकल्चर इनकम से मेरे ख्याल से इतनी होल्डिंग है, पाकिस्तान बड़ा मुल्क है, 1 ट्रिलियन की रेवेन्यू आ सकते हैं। क्योंकि देखिये हम गवर्नमेंट को, ये जो रिसर्च बेस्ड आप एपिसोड देख रहे होंगे एग्रीकल्चर इनकम पे, बिजनेस पे और चीजों, गवर्नमेंट को मशवरा दे रहे हैं। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने 5 साल पुराना मशवरा टैक्स दोस्ती का रेडार के नाम से आइडिया तो पिक कर लिया, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हमें मौका दे दे टैक्स दोस्ती टीम आके आपको इम्प्लीमेंट करना।